अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का दूसरा सवाल, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल को सरकार ने किस लेवल की सुरक्षा प्रदान की है, ए प्लस, बी प्लस, CY+ या DZ+। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, नववर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रही भागलपुर पुलिस टीम। नववर्ष पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरो, सिटी एएसपी पूरन कुमार झा के साथ भागलपुर के सड़कों पर निकले। इस दौरान भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, ततारपुर चौक, नाथनगर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहे पर भागलपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आशा करता हूं कि वर्ष 2021 के दिवस में भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के लिए अभियान चलाया जाता है और इसी क्रम में 31 तारीख और 1 तारीख को, क्योंकि इसमें काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल रहता है और सभी लोग घूमने को निकलते हैं, इसको लेकर के विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें ना सिर्फ सभी जो इम्पोर्टेंट पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों तथा बल की तैनाती की गई है, बल्कि सैंडिस कंपाउंड के आसपास ट्रैफिक को वन वे भी किया गया है ताकि किसी प्रकार का जाम नहीं लगे, जिसमें कचहरी चौक से लेकर तिलका मांझी चौक से लेकर फिर मनाली चौक से लेकर के मनाली चौक से फिर कचहरी चौक का वन वे रहेगा। इसके अतिरिक्त अंती चक में जहाँ पे विक्रमशिला के अवशेष है, बिहार के अवशेष है, वहाँ पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और आज भी अपराधियों के जो शराबबंदी को लागू कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ये क्या कहते हैं करतारपुर थाना क्षेत्र में सफलता भी मिली है, जिसके डिटेल्स में आपको थोड़ी देर बाद दे दूँगा। तो लगातार उसके लिए अभियान चलाया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हो और पूर्ण शराबबंदी सबसे चला। कोरोना काल में था करूँगा कि COVID-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनिधि की गई है, खास करके महिला सुरक्षा को लेकर के महिला थाना के पदाधिकारी और बल, ट्रेनिंग दल के पदाधिकारी और बल और उसके अतिरिक्त जो सिख थाना प्रभारी के पदाधिकारी और बल हैं उनकी भी प्रतिनिधि की गई है और लगातार जो मोटरसाइकिल पार्टी है वो भी भ्रमणशील रहेगी, पूरा प्रयास किया जाएगा और पूरी व्यवस्था रहेगी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटनाएँ ना हो और विशेष करके महिलाओं के साथ बिल्कुल ना हो। सब फरार अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी संख्या में हुई है? देखिए पूरे वर्ष यह अभियान चलाया जाता रहा है और इसे काफ़ी सफलता मिली है, मेरे पास अभी फैक्ट्स तो याद नहीं है लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो शेयर किया था कल पर शेयर किया था मैंने, तो उसमें काफ़ी सफलता मिली है। इनामी अपराधी रविंदर यादव भी गिरफ्तार किया गया था और कुर्ती का भी अभियान चलाया जाता है, अभी पिछले सप्ताह ही संडे को जो अभियान चलाया गया था 120 से ज़्यादा कुर्ती की गई थी एक ही दिन में, तो अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंट जिस तैयार कुर्ती का निष्पादन, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें गिरफ्तारी कराई गई। सर रात्रि गश्ती से सभी लोग प्रभावित हुए हैं और मैं सभी लोगों के लिए कामना करता हूँ कि 2021 उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें नहीं हो और इस वर्ष सभी लोग सीख लें, अपने जीवन में स्वच्छता रखें और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और सुरक्षा के प्रति ध्यान दें, भागलपुर पुलिस सभी जो सुरक्षा की कार्रवाई है उसको करेगी। सर 1 तारीख लोग पिकनिक।
नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। गोपालपुर के गोसाई गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ प्रारंभ। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के गंगा तट पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के बने व्यास पीठ का उद्घाटन नवगछिया भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल एवं उपस्थित ग्रामीणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन कथावाचक स्वामी नारायण दर्शन ने भक्त और भगवान के प्रसंग को सुनाया। बताते चले कि गोसाई गांव में श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ जो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2021 तक चलेगा। वहीं उद्घाटन में भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, गोपालपुर मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा, महामंत्री रंजीत झा एवं चंदन कुमार भगत, बजरंग दल के जिला संयोजक प्रहलाद यादव, राजेश झा एवं व्यवस्थापक शंभू कुमार यादव, टिंकू यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। नवगछिया के नया टोला में शराब पीकर उत्पाद मचा रहा था शराबी। भाजपा जिला अध्यक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराबी को छोड़ा। नवगछिया नया टोला में शराब पीकर उत्पाद मचा रहे एक शराबी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने वरीय पदाधिकारियों से शिकायत करने हुए मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल का कहना है कि नवगछिया नया टोला में शुक्रवार की दोपहर में एक शराबी शराब पीकर उत्पात मचा रहा था। स्थानीय लोगों को बेवजह बद्दी बद्दी गालियां दे रहा था। जब वे शराब की पूरी हरकत से अवगत हुए तो उन्होंने इसकी सूचना नवगछिया पुलिस को दी। मौके पर एक पुलिसकर्मी भी आए और शराबी को हिरासत में भी लिया, लेकिन
मौके पर ही उसे छोड़ दिया गया। वहीं इस मामले की थाना अध्यक्ष से शिकायत करने थाना पहुंचे। नौगछिया थाना अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष की मुलाकात नहीं हुई तो जिला अध्यक्ष ने नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार को मामले की सूचना फोन पर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों नया टोला में शराबियों का उत्पात चरम पर है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि सिर्फ नया टोला में 7 से 8 जगहों पर आसानी से शराब उपलब्ध है। जी किन से बात होगी सर? SDPO साहब से। सर प्रणाम कह रहे थे सर, वो गए थे कोई थाना से जमदार थे और पुलिस थी। आश्चर्य लगता है सर, ये शराब पिया हुआ व्यक्ति कैसे छोड़ दिया सामने, मेरे सामने नहीं 100 आदमी के बीच में, पूरा गांव सर उससे परेशान है। जानते हैं सर 7-8 जगह शराब बिकता है नया टोला में सर। कम से कम दबाव पड़ता है तो थोड़ा सुधार होता है सर। फिर वो रोड नहीं सर पहले वो बाहरे में पकड़ा था, वो जान बुझ के छोड़ा, और अभी वो जमादार हमको बोला अभी कि नहीं छोड़ दी। पूरा गांव सर परेशान है, पूरा गांव। हाँ जरूरी है सर, मेरे सामने छोरा है 100 आदमी के बीच में। एक सौ आदमी के बीच में छोड़ा है। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम। क्या मामला था थोड़ा बताते? शराब पी के नंगा नाच कर रहा है नया टोला में, वहाँ खुलेआम शराब बिक रहा है सब जगह नया टोला में। नया टोला में हाँ, तो शराब में जो है यहाँ थाना को कहे, SDPO को कहे हम लोग जी, यही वहाँ से गए। अब क्या नाम है इनका, थाना से जमदार है। अच्छा अच्छा जी। शराबी को मेरे सामने ही छोड़ दिए। और आपके सामने छोड़ दिए? मेरे सामने छोड़े, अरे मेरे सामने छोड़े, पूरा गांव वहाँ गवाह है। हम इनको बोले भी, इनको हम बोले भी कि शराबी को आप मतलब खुला छूट दीजिएगा, पूरा गांव में शराब बिकता है। चलिए हम बताते हैं कहाँ कहाँ बिकता है। मुख्यमंत्री का इतना अच्छा योजना शराबबंदी, जिससे खुशहाल परिवार हुआ गाँव, पुलिस के चलते पूरा नंगा नाच, पूरा शराब बिक रहा है खुले। ये कौन हल्ला कर रहा था सर, पहचानते होंगे सर? एक मिनट आप भी रुकिएगा थोड़ा। नाम है उसका, वो रोज शराब पी के नंगा वही नहीं करता है, पूरा नया टोला में घटना। क्या नाम बताए सर उनका? उसका नाम आजाद यादव है। आजाद यादव शराब पी के भले लोग जितने उस जगह पारिवारिक लोग हैं सबको गाली गलम करता है, गोली पिस्तौल दिखाता है, और जब नौगछिया थाना की पुलिस जाती है तो उसको मेरे सामने छोड़ दिया। और मेरे सामने क्या, 100 आदमी है गवाह दिलवाएंगे, तो सस्पेंड होने लायक है। कैसे छोड़ दिया, उसको सस्पेंड करना चाहिए। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया आंगल नव वर्ष के मौके पर सैदपुर व तित्री दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आंगल नव वर्ष के मौके पर शक्ति की दुर्गा माँ दुर्गा के सैदपुर व तित्री मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चलें कि पिछले 3-4 वर्षों से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से सैदपुर में भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। मंदिर की भव्यता के कारण काफी दूर दूर से नव वर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं ने सैदपुर व तित्री के दुर्गा मंदिरों में माता का दर्शन किया। दोनों ही मंदिर शक्ति पीठ के रूप में श्रद्धालुओं के लिए स्थापित है। भागलपुर जिले के अलावा खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया वगैरह के श्रद्धालुओं के आने के कारण ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ढोलबज्जा, DIG ने देखा गरुड़ का प्रजनन स्थल। भागलपुर DIG सुजीत कुमार ने गुरुवार को कदवा पहुंचकर वहां के गरुड़ प्रजनन स्थली को देखा, जहां साथ में सुजीत कुमार के अन्य परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वहीं शुक्रवार को ही भागलपुर के झुंझुनवाला विकास चौधरी, डॉक्टर नीरज गुप्ता, राखी कुमारी, सरिता और यसी कुमारी के साथ गरुड़ सेवियर राजीव कुमार, प्रिंस कुमार व सुभाषीष के साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। सुजीत कुमार ने कदवा ग्रामवासी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां के लोगों ने जिस प्रकार गरुड़ को अपने परिवार के एक अंग की तरह संरक्षण दिए हुए हैं, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। यहां के लोगों के घर आंगन में भी
गरुड़ ने इस तरह अपना बसेरा डाला है कि लगता है जैसे एक घर के परिवार के ही अंग हैं। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया पेट्रोल पंप से चोरों ने कर ली बोलेरो पिकअप वैन की चोरी। खगड़िया जिले के पसराहा निवासी प्रमोद कुमार सिंह का बोलेरो पिकअप वैन नवगछिया थाना क्षेत्र के ज्योति पेट्रोल पंप से चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस बाबत प्रमोद कुमार सिंह ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि वे चालक रहकर अपने वैन से अखबार की ढुलाई करते हैं। गुरुवार को उनका चालक खगड़िया के महेशकुट निवासी योगेश चौरसिया भागलपुर से अखबार लेकर मधेपुरा होते हुए सहरसा जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। चालक ने उनके बोलेरो पिकअप वैन से अखबार को दूसरे वैन पर लोड किया और उनकी खराब पिकअप वैन को ज्योति पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। फिर चालक अखबार पहुंचाने के लिए सहरसा मधेपुरा चला गया। जब चालक पेट्रोल पंप के पास लौट कर आया तो वहां वैन नहीं थी। काफी पूछताछ करने के बाद भी वैन का कोई अता पता नहीं चल पाया है। पिकअप वैन के मालिक को आशंका है कि अज्ञात चोरों ने उनके पिकअप वैन की चोरी कर ली है। इधर नवगछिया पुलिस मामले में छानबीन करने जुट गई है। नवगछिया नगरा के युवक का अपहरण, परिजनों ने चार लोगों को किया नामजद। नवगछिया थाना क्षेत्र के नगरा गांव निवासी शमशेर प्रसाद सिंह के 23 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत शमशेर प्रसाद सिंह ने नवगछिया पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। सूत्र बताते हैं कि अपहरण की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस मान रही है कि गौरव का गायब होना अपहरण का मामला कतई नहीं है। इधर कथित रूप से अपहृत गौरव के पिता शमशेर प्रसाद सिंह ने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि 29 दिसंबर को रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के मदरोनी गांव के शंभू सिंह के पुत्र मोनू कुमार सिंह ने मोबाइल नंबर से गौरव के मोबाइल पर फोन करके उसे मदरोनी बुलाया। फोन आते ही गौरव मोनू के यहां मोटरसाइकिल लेकर चला गया। 31 दिसंबर को दिन के 1 बजे मोनू कुमार का भाई मनोरथ कुमार सिंह गौरव की मोटरसाइकिल लेकर नगरा आ गया और उसने कहा कि मोनू को पुत्री हुई है और उसकी बेटी की छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोनू सुशांत और उसके पिता शंभू सिंह के साथ गौरव अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के हास गांव गया है, जहां मोनू का ससुराल है। अपहृत गांव के युवक गौरव के पिता शमशेर ने कहा कि 29 दिसंबर की शाम से वो अपने पुत्र के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं मालूम हो कि अपहृत गौरव के पिता शमशेर सिंह नवगछिया जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के वाहन चालक हैं। जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने भी मामले पर पुलिस पदाधिकारी से बातचीत कर युवक को सकुशल बरामद करने को कहा है। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि मामला अपहरण का नहीं है, युवक खुद ही आरोपियों के साथ गया है, पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नवगछिया के तेतरी गांव में फायरिंग, पुलिस पहुंची तो लोग बोलने को नहीं हुए तैयार। नवगछिया के तेतरी गांव में 3 से 4 चक्र गोली चलने की सूचना ग्रामीण स्तर पर शुक्रवार को नवगछिया पुलिस को दी गई। सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पर फायरिंग करने वाले सभी लोग फरार हो गए थे, तो दूसरी तरफ कोई भी ग्रामीण गोलीबारी के बारे में बोलने को तैयार नहीं हुए। नारायणपुर अमरी बिशनपुर में मासूम को जलाकर उतारा मौत के घाट। नारायणपुर प्रखंड के शाहजादपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 अमरी बिशनपुर गांव में 2 बजे दिन में 3 माह के मासूम बच्चे को छिट्टा में रखकर जलाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने बताया कि कन्हाई मंडल पत्नी प्रियंका देवी के साथ खेत जाने पर अपने 3 माह की पुत्री लक्ष्मी के साथ 3 माह के पुत्र को छोड़कर जाने के बाद कन्हाई मंडल की भाभी सुनीता देवी द्वारा 2 बजे दिन में नहला धुलाकर एक छिट्टा में कपड़ा डालकर बैठा दिया गया और अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ कर तेल छिड़क कर आग लगाकर मासूम की जान ले ली गई है। घटना को लेकर गांव मोहल्ले एवं चौराहे पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। वहीं घटना को लेकर परिजनों द्वारा बीपुर थाने में आवेदन दिया गया है। इधर मामला शाहजादपुर ग्राम कचहरी के द्वारा भी बीपुर थाने को भेजा गया है। मामले में बीपुर पुलिस छानबीन में जुटी है। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ
स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है।